चंदन भैया, मैं लोगों को बता दूं और दोस्तों आपको पता भी है कि इस समय चंदन जी जो हैं मुंबई के भिवंडी इलाके में हैं और भिवंडी में पायल सिनेमा नाम का एक थिएटर है जहां पर हर गंगे फिल्म रिलीज हुई है। आप पहुंचे हुए जायजा लेने के लिए। तो चंदन भैया, आंखों देखी बताएं, क्या कुछ देखा आपने? देखिए, अभी हम लोग भिवंडी में हैं पायल सिनेमा में और पब्लिक का जो इंटरेस्ट है वो सिनेमा के प्रति मतलब बहुत इंजॉयमेंट है और बहुत अच्छा लग रहा है देख के। बहुत मेहनत किया था हमारी टीम ने और वो मेहनत कहीं ना कहीं सक्सेस होता हुआ दिख रहा है कि हाँ, ये मेहनत हम लोगों ने किया था जिस पैमाने पे भोजपुरी सिनेमा का औरा बढ़ाना था वो डेफिनेटली पब्लिक को अंदर बहुत पसंद आ रही है फिल्म। और इसीलिए आया था देखने के लिए क्या पब्लिक का मूड है, क्या देखना चाह रही है। डेफिनेटली इस टाइप की फिल्में बननी चाहिए, मैं आगे भी कोशिश करूँगा। ओके सर, आपके बारे में जानकारी हमें मिली है कि आप इस थिएटर के नेतृत्व करते हैं, आप देखते हैं, एज ए ओनर हैं आप, तो एग्जीक्यूटिव। ओके, तो आप थोड़ा सा बताएं कि थिएटर में किस तरह के दर्शक आए हैं, कितनी भीड़ है और हर गंगे को लेकर के एज ए बिजनेस स्टाइल में क्या कुछ थिंग चल रही है? अभी जब से मैंने ये थिएटर लिया तो मुझे पहली फिल्म लगी है जिसमें पब्लिक का रूबरू आना बहुत अच्छा है और पब्लिक उठ के नहीं आ रही है बाहर, पिक्चर बैठ के बड़ा इन्जॉयमेंट दे रही है। तो कौन भाई है, कौन भाई की पिक्चरें वैसी होती है जो पब्लिक निकलती नहीं। लेकिन अब तक की जो भी लॉकडाउन के बाद की पिक्चर में कौन भाई की है बड़ी पिक्चर लगी। लॉकडाउन के बाद का पवन जी का सबसे बड़ी फिल्म है। शुक्रवार हो गया, बॉक्स ऑफिस आ गया होगा, शनिवार हो गया, बॉक्स ऑफिस आ गया होगा, आज रविवार का दिन है, आज पूछना है। दो दिन, शुक्रवार और शनिवार का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होते हैं, सिर्फ आप अपने इस थिएटर के बारे में बताएं कि क्या उतना हुआ है जितना भोजपुरी की पहली फिल्मों में? जो पहले उन लोगों का वीक का होता था ये दो दिन में कलेक्शन आया। दो दिन में आया, क्या बात है। तो क्या लगता है, मूड आपका क्या लग रहा है, कब तक इस फिल्म को चलाएंगे? जब तक चलेगी। फिर भी एक आकलन कब तक आपको लगता है? एक हफ्ता, दो हफ्ता कंप्लीट कर, कम से कम ऐसा मान के चले। चंदन सर, बहुत बधाई भाई बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, लेकिन ओवरऑल चलो ठीक है, पायल में तो चल गई, पूरा देश भर में। चंदन भैया, दुनिया के लोग आपसे जो हैं सबसे पहले यही पूछना चाह रहे हैं कि भीड़ भले ना हो, आप भले ना हो, आपका स्टार भले ना हो थिएटर में, लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या कहता है? एक इंटरव्यू चला जिसमें आप तो बहुत कह रहे हैं कि बहुत हो रहा है। देखिए, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आप खुद जाके पता कर सकते हैं मीडिया से हैं, और जो बाकी पिछली फिल्मों का आप देखेंगे स्थिति उससे कहीं ऊपर इसका वो कलेक्शन है जी। और डेफिनेटली लोगों को फिल्म पसंद आ रही है। आप जितना रिव्यूज उठा के देखेंगे जो पब्लिक निकल कर, मैं तो रिव्यू नहीं देने जा रहा हूँ पब्लिक को, मैं तो नहीं बोले जा रहा हूँ उनको भी आपको क्या बोलना है, वो तो खुद ही फिल्म देख के निकल रहे हैं, बोल रहे हैं, तो उनको खुद फिल्म अच्छी लग रही है, वो जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि अच्छी फिल्में हैं और उसका कलेक्शन दिन पर दिन बढ़ ही रहा है। तो देखिएगा अभी इस फिल्म का चमत्कार, बहुत बड़े लेवल पे इसका कलेक्शन भी बढ़ रहा है रोज और बहुत बड़ी हिट की तरफ ये फिल्म बढ़ रही है। दूसरी चीज बताऊँ आपको, सिनेपोलिस पटना जिसका कलेक्शन आज तो सोल्ड आउट था पूरा टिकट उसका, कल पहला शो उसका जो था, रोज एक ही शो है उसका, 12:30 बजे से लेके एक शो ही देता है, 12:30 बजे का शो है, तो कल उसका कलेक्शन मेरे पास आया था। आप सोचेंगे नहीं, जहाँ बाकी थिएटर्स के 400 के होते हैं, हमारा एक सिंगल थिएटर एक शो का उसका पूरा कलेक्शन है। और सबसे बड़ी चीज़ कि हम लोग चाहते थे कि फिल्म मल्टीप्लेक्स लेवल पर बनाए, मल्टीप्लेक्स में क्या रिस्पांस आता है, तो एक ट्रायल के तौर पे हमने वहाँ किया था और उसका ये रिस्पांस देख के हम लोगों को लगता है कि बाकी और जगहों पर भी हम लोगों को मल्टीप्लेक्स में लगानी चाहिए फिल्में। तो डेफिनेटली मतलब जो हम लोगों ने ऑरा क्रिएट किया था फिल्म का और जो लग रहा था कि हम उस लेवल पे जाकर फिल्में बनाएंगे, साउथ की फिल्में हैं या हिंदी की फिल्में हैं, उस लेवल पे जाकर प्लान करेंगे हम लोग फिल्में, तो डेफिनेटली लोग देखने जाएंगे और जा रहे हैं देखने, ये खुशी की बात है। एक सवाल जो मेरे भी मन में है और हर कोई जानना चाहता है, स्पेशली आपसे, देखिए शुरू से ही तुलना है संघर्ष 2 हर हर गंगे की, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गंगे का भी आपको पता चल गया है, आप बड़े ही जिम्मेदारी के साथ और बहुत ही गर्वित होकर के बता रहे हैं, संघर्ष 2 का भी शायद आपने पता ही करा होगा कहीं ना कहीं से, आगे कौन चल रहा है? मैं पता नहीं करता हूँ, मैं अपनी फिल्मों को देखता हूँ, कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, किसका क्या स्ट्रेटजी है, किसका क्या कलेक्शन है, उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे अपनी फिल्म में इंटरेस्ट है, मैंने अपने मेरे प्रोड्यूसर में इंटरेस्ट है जिन्होंने इतनी मेहनत करके फिल्म बनाई थी, इतना साथ खड़े थे आज, तो वो खुश है मेरी फिल्म से, अपनी फिल्म से, हमारी फिल्म से, और जो कलेक्शन आ रहा है उससे भी बहुत वो खुश है, तो मुझे दूसरे को देखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जो मीडिया दृश्य दिखा रही है, जो हम देख रहे हैं, जो दर्शक देख रहे हैं, हर ही थिएटर में बहुत भीड़ दिख रही है संघर्ष 2 को देखने के लिए, और स्पेशली पूरी टीम संघर्ष 2 को देखने के लिए या सुपरस्टार खेसारी लाल को देखने के लिए, ये बताइए पहले क्लियर करिए। ये तो आप ही बताएं, हम तो भीड़ देख रहे हैं, तो आप मीडिया वाले हैं।
तो वो दर्शक नहीं है, कहने का मतलब जो खेसारी के आसपास जो भीड़ दिख रही है वो दर्शक। पवन जी कहीं निकलते हैं रास्ते में रुक जाते हैं तो हमें भीड़ लग जाती है, आपको मालूम है सारी चीजें। मतलब उस बात पे आप मत जाइए कि क्या पब्लिक रिएक्शन है बाहर का, फिल्म के अंदर थिएटर कितने पब्लिक है वो देखते हैं। बाहर तो हीरो को देखने के लिए इतना प्यार करते हैं उन लोगों को, हमारे हीरोज को, कि वो देखने के लिए जाते हैं फिल्म, उनको देखने हमेशा ही जाते हैं लोग। आप साफ तौर से देखिए, मैं थोड़ा सा क्या है कम समझ पाता हूँ, तो आप साफ तौर से ये कहना चाह रहे हैं कि जो भीड़ संघर्ष 2 के लिए देखी जा रही है वो थिएटर के दर्शक नहीं है, वो खेसारी जी को देखने के लिए जुटी भीड़ है। मैंने बोला तो आप दोबारा बोलो, उस चीज को क्लियर कर लो। तो मैंने जो पूछा वो सही है, मतलब आपने बिल्कुल बिल्कुल सही। तो कलेक्शन के मामले में फिर तो इस हिसाब से गंगे आगे है, ऐसा आपका कहना है। मैंने नहीं बोला कि कौन है, मैं उनके बारे में जानता ही नहीं कि उनका क्या कलेक्शन है। मेरे अपने कलेक्शन के बारे में मैंने बताया, मैं अपने कलेक्शन से बहुत संतुष्ट हूँ। पब्लिक का जो रिएक्शन है फिल्म देखने के बाद उससे बहुत संतुष्ट हूँ। मेरा डिस्ट्रीब्यूटर बहुत संतुष्ट है मेरी फिल्म, जो निशान जी ने फिल्म रिलीज किया रेणु विजय फिल्म से, तो वो बहुत संतुष्ट है फिल्म से, कलेक्शन से बहुत संतुष्ट है। तो और क्या चाहिए हम लोगों को, हम भी संतुष्ट हो गए हैं थोड़ा बहुत, पवन सिंह जी ने भी प्रमोशन करा ही आखिर। आप कितने हैं? मैं बहुत संतुष्ट हूँ उनकी लाइन से। हाँ हाँ बिल्कुल। नहीं लेकिन कहीं ना कहीं एक लाइव में स्टार्ट हुआ तो उन्होंने उनकी बातों से ये लगा, एक फील आई कि भाई बहुत सारी चीज़ें आप पर थोप दी गई हैं। आपने उन्हें ठीक से बताया नहीं कि फिल्म रिलीज होने वाली है, आपने दुनिया मतलब उनसे बिना पूछे रिलीज़ करा क्या? ये कैसे बोला आपने कि उनसे, उन्होंने स्टेज पे आपको नहीं पता होगा तो उनसे पूछ लीजिएगा, मुलाकात होगी पवन जी से, कि 20 तारीख को उन्होंने खुद ही किसी एक इवेंट में जाके वहाँ कहा था कि 2 तारीख को मेरा ट्रेलर आ रहा है 2 अक्टूबर को और 20 तारीख को मेरी फिल्म रिलीज होगी। तो ये मैंने तो सुना नहीं उन्होंने कौन से लाइव में कौन से इंटरव्यू में क्या बोला है, बट आप ये बोल रहा है कि उनको नहीं पता था तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता, उनको बहुत अच्छे से पता था, डेली हमारी बातें हो रही थी। अच्छा, ऐसा एक भी दिन नहीं था कि हमारी बात नहीं हुई इस मामले में कि 20 तारीख को हमारी फिल्म रिलीज हो रही है। आप खुश हैं संघर्ष 2 के स्टारकास्ट प्रमोशन से? बिल्कुल, ये तो होना चाहिए। मिस करते हैं अपनी टीम को? मिस नहीं करते, मिस क्यों करेंगे, कलेक्शन अच्छा है तो सब कुछ खत्म है, फिर किसी चीज़ की कोई जरूरत नहीं। एक आखिरी सवाल, आप ये हो सकता था कि पवन जी जाते हैं ग्राउंड लेवल पे तो डेफिनेटली जो हमारा कलेक्शन अभी जो दिख रहा है उस कलेक्शन का दोगुना तिगुना और ज्यादा बढ़ता है। तो आप सोच सकते हैं कि अभी हम कलेक्शन से खुश हैं तब क्या स्थिति होती है हमारी। हाँ, तब क्या स्थिति होती है। एक आखिरी सवाल, आपने मेरे इंटरव्यू में ये कहा कि भाई हर हर गंगे पार्ट 2 बन रही है, आप हैं उस बयान के साथ? बिल्कुल, और इससे बड़े लेवल में बनाऊंगा। आपको क्या लगता है, कहता हूँ तो पीछे नहीं हटता हूँ, याद रखिएगा इस चीज को, इस चीज के लिए मैं गारंटी लेता हूँ। आप लेते हैं? ओके, मैंने इनके साथ फिल्म की है एज ए डायरेक्टर, ये प्रोड्यूसर थे हमारी फिल्म के जिसका नाम था कल्लू की दुल्हनिया, तो इनको पता है मेरे बारे में। चलिए ठीक है, ऐसे बोलता हूँ वो करके रहता हूँ। ओके, नहीं मैं आपकी बात पर एकदम सहमत हूँ। सर एक आखिरी सवाल आपसे जाते जाते, क्या आकलन कहता है आपका, क्या भविष्य है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गंगे का? सिर्फ पायल नहीं, ओवरऑल बता रहा हूँ, ओवरऑल पूछ रहा हूँ। दशहरा बाकी है, मंगलवार को दशहरा, जब ये 2 दिन में बेटर कलेक्शन है, 3 दिन में बेटर कलेक्शन है, दशहरा और बेटर होगा, ये मैं मानता हूँ। ओके, का अनुमान ये है। चंदन मैया, जो लोग अभी भी घर से नहीं निकले हैं इस फिल्म को देखने के लिए, क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगा भाई, आप लोग घर से निकलिए, एक बेहतर और बहुत मेहनत करके हम लोगों ने फिल्म बनाई है, बेहतर फिल्म बनाई है, कुछ बेहतर कोशिश किया है, और पब्लिक जिस हिसाब से फिल्म में दिलचस्पी ले रही है, मुझे लगता है आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। रीज़न ये है कि एक तो हमारा सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है उस फिल्म से, हम सबका, इस देशवासियों का, क्योंकि गंगा के ऊपर हमने फिल्म बनाई है, गंगा को हम लोग माँ मानते हैं, और उसकी सुरक्षा के लिए, उसको बचाने के लिए हमने ये फिल्म बनाई है। तो आप लोग जाके देखेंगे तो शायद जो अभी गंगा की स्थिति है जो साफ नहीं हुई है गंगा, या कोशिशें हो रही है उसमें, हम लोग एक तिनका तो जोड़ ही सकते हैं गंगे। तो डेफिनेटली मैं ये चाहता हूँ कि आप सब लोग जाइए थिएटर में और मज़ा लीजिए फिल्म का, डेफिनेटली आप लोगों को फिल्म अच्छी लगेगी, और ये फिल्म अच्छी लगेगी तो इसके बाद और अच्छी फिल्म बनाऊंगा, ये आप लोगों से वादा है। आप लोग हर बार कहते हैं, आप लोगों की शिकायत रही कि भोजपुरी में फिल्में अच्छी नहीं बनती है, हमने उस बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की है फिल्म से, और आप लोग देखेंगे तभी हम लोगों को लगेगा कि हमारी मेहनत सफल हुई। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।